हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कपूर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं लीक मैप खेल रहा था और लीक मैप में मिडिल ट्रेनिंग कौन सी जगह होती है मैं वहाँ पे उतरता हूँ और यहाँ पे भाई बहुत सारे बंदे आने लगते हैं तो मैं हक्का बक्का हो जाता हूँ कि इतने बंदे कैसे आ रहे हैं। तो इतने बंदे एंगल में किसी जगह पर नहीं आते, तो देखो गन वन उठाते हैं और उनको मारते हैं। एक दो बंदों को तो मैं मुक्के मारने की ट्राई करता हूँ पर नहीं लगते, तो मैं जो गन वन ट्राई करता हूँ तो मेरे को एक के मिल जाती है। और ऊपर छत पर बंदा था तो मैं हेलमेट या वेस्ट देख रहा था कि अगर मिल जाए तो हेलमेट वेस्ट तो ठीक है, तो नहीं मिलते हैं और मैं आगे वाले कमरे में जाता हूँ, मेरे को वेस्ट मिल जाता है एक। तो देखो ऊपर वाले को जाकर कैसे मारते हैं। ये गन रिलोड कर रहा तो मेरे को आवाज़ आ गई थी गन रिलोड करते टाइम, तो मैं सीधा ही डायरेक्टली इस प्रेस कर देता हूँ और उसको मार देते हैं अचानक से। और नीचे से बोट आता है तो पहले बोट को मार देते हैं और बाद में आके बंदे देखो कैसे मारते हैं मंगोल बंदे को। मैं बोट को लूटता हूँ तो मेरे को 3x एंड एक्सटेंड वेग भी मिल जाता है। तो मैं बोट को लूटने के बाद मैं सीधा ऊपर छत पर जाता हूँ और उस बंदे स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, तो मेरे को कोई बंदा स्पॉट नहीं होता पर सामने से फुटस्टेप एंड दूर से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो देखो कैसे मारते हैं उनको। थोड़ा वेट वेट करते हैं, घर से फुटस्टेप आते हैं तो मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूँ और बंदे को देखने की ट्राई करता हूँ कि कौन सी खिड़की पर उली उली करने की ट्राई करता हूँ। उससे पहले मेरे को ऊपर से अगर कोई मारने की ट्राई करता है तो मैं सीधा कवर के अंदर जाता हूँ और थोड़ा हेल्थ वेल्थ लगाता हूँ और नीचे जाके मैं मोली उली करता हूँ। तो मोली तो मैं करता नहीं हूँ पहले, उससे पहले एक दूसरा बंदा स्पॉट होता है उसको मारता है। तो इसका पैर दिख रहा था तो उसमें मैंने इजीली इसको नॉक कर दिया और जैसे ही ये नीचे की तरफ जाने की ट्राई करेगा तो इसको खिड़की में से जाकर फिनिश भी कर देंगे। और गाइस अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए डेली आता रहूँगा। तो देखिए सामने बंदा होता है कैसे मारते हैं उनको। खिड़की में से मेरे को कोई बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था तो मैं राइट से लोटेशन ले लेता हूँ और राइट से लोटेशन में जैसे आगे जा रहा था बंदों को स्पॉट करने के लिए, उससे पहले मेरे को लेफ्ट से किस गाड़ी का साउंड आता और बड़े वाले बिल्डिंग के अंदर दो तीन बंदे आ चुके थे, तो मेरे को फिर से बड़े वाले बिल्डिंग के अंदर जाना था और उन बंदों को किल करके आना था। तो देखो कैसे मारते हैं बंदों को। मैं बिल्डिंग के अंदर तो आ चुका था बट बंदा ऊपर छत के ऊपर भी था और लेफ्ट से भी गोलियां पड़ रही थी, तो मैं देख रहा था कि किधर जाए पहले किस प्रेस करे। तो मैं राइट की तरफ जो लेफ्ट की तरफ खिड़की होती है उस पर आता हूँ और एक बंदा नोक पड़ा होता है उसको मैं किल करता हूँ पहले। इसको फिनिश करवा देखो, नीचे बंदा आता है, इसको फ्री फायर दिया पर फ्री फायर के अंदर नहीं आता पाता, तो एक मोली करने की ट्राई करता हूँ। उससे पहले मैं ऊपर वाला बंदा भी नीचे मेरे पुश कर रहा था तो पहले उस पर मोली करते हैं ऊपर वाले बंदे पर, फिर उसको देखो कैसे मारते हैं। यहाँ से मैं मोली कर देता हूँ, मोली करने के बाद में यहाँ उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था तो बंदा नीचे कूद गया था। तो नीचे कूदने के बाद में मैं नीचे सीढ़ी पे आता हूँ, नीचे सीढ़ी पे आके यहाँ से टीपी पे लेता हूँ। अगर जैसे बंदा आएगा तो उसको आर एल सी क्लिक कर देंगे। तो देखो मारते हैं कैसे बंदे को। इस वाले बंदे को मैं डायरेक्टली नॉक फिनिश कर देता हूँ क्योंकि लेफ्ट से बंदे और आने वाले थे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट किल कर दिया। और सामने घर पे बंदा होता है तो देखो उसको कैसे मारते हैं। स्किन इश्यू होने के कारण ये नेट छूट जाता है मेरे से, वो तो मैं राइट की तरफ आ जाता हूँ फिर से और मैं अपने हाथों उधर पूछ लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा पसीना आ चुका था, तो समझ लो कि वो पाउडर था तो पूरा हाथ की चिपक गया था और वो पसीने में हो गया था। तो मैं राइट की तरफ आता हूँ और नेट को फूट जाता है और वापस फिर से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ और जो पीछे से भी एक बंदा आ गया था, तो वो पहले पीछे वाले बंदे को मारते हैं और बाद में आगे वाले बंदे पर चलते हैं। सामने वाले बंदों को स्पॉट करने के लिए छत पे गया था तो मेरे को पता नहीं था कि पीछे और भी बंदे आ चुके, तो मैं उनको डैमेज देता हूँ और मैं सीधा ही नीचे आके आराम से लेट के हेली वेल लगाने लगता हूँ। और देखो सामने वाले बंदे को कैसे मारते हैं।
इस बंदे को नॉक करता हूँ तो दूसरे टेममेट को कोई दूसरा बंदा मार देता है, तो इसलिए इसका मेरे को किल जल्दी से मिल जाता है। और सामने और भी बंदे थे, तो देखो कि हमको जोन के अंदर जाना था और तो जोन भी आने वाला था, तो मैं सीधे क्या करता हूँ कि पीछे आके और रोटेशन ले लेता हूँ और जोन के अंदर जाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि पीछे वाले बंदे फाइट लेते रहेंगे तो जोन जल्दी ही काट लेने लग जाएगा, क्योंकि सेकंड जोन या थर्ड जोन आ चुका था ये। तो मैं सीधे जोन के अंदर जाने की ट्राई करता हूँ और मैं आसानी से निकल भी जाता हूँ उस जगह से, और निकलने के बाद मेरे इधर पहाड़ी आड़ी होती है, तो इनसे मैं जिगल विगल मार के जा रहा था क्योंकि कोई घास में लेटा हुआ ना हो, क्योंकि इस लीग में स्पोर्ट ही कम होते हैं बंदे मेरे को, क्योंकि मैं बहुत कम ही खेलता हूँ लीग की, इसलिए तो पीछे से पहाड़ी बहुत भयंकर, देखो कैसे मारते उसको। इस बंदे को इजीली नॉक फिनिश कर देता हूँ, और इसका एक और टीममेट था वो नेटवर्क करने की ट्राई करता हूँ, आप देख सकते हो कि जोन कितना जल्दी काटने लगा था, तो मैं जैसे ये लगा रहा था हेल विल तो सामने एक बंदा नेट करता हूँ, तो उसकी मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये नेट मेरे पे नहीं आया, उन थोड़ा नीचे तक चला गया टकरा के, तो फिर मैं हेल टेबल लगा रहा हूँ, आप हेल देखो कितनी जल्दी आ रही है मेरी, तो मैं हेल विल लगाता हूँ और स्मोक स्मोक करता हूँ और यहाँ से निकलने की ट्राई करता हूँ, अगर उससे फाइट लूँगा तो मैं भी नहीं बचूंगा और वो भी नहीं बचेगा, तो हमारा चिकन भी रह जाएगा, तो मैं इससे फाइट नहीं लेता और सीधा हेल लगाता हूँ, और हेल लगाने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ फाइनली मैं, और यहाँ से निकलने के बाद मैं आगे स्पोर्ट्स को आगे देखेंगे अगर मिलता है तो आगे ये, तो यहाँ से निकल जाता हूँ मैं अच्छे से। वैसे निकलने के बाद मैं फाइनल में जोन के अंदर आ जाता हूँ, और जोन के अंदर उन्हें एक शेक होता है, वहाँ पे मैं हेल विल लगाता हूँ और हील विल लगाता हूँ, तो वो बाद में सेकंड देखता हूँ तो भाई 2-4 सेकंड यानी 50 सेकंड और बची थी जोन आने में, तो फिर से जोन के अंदर जाना, तो जोन इस बार बहुत दूर बना था और बीच में नदी भी आ रही थी, तो एक क्या ही कर सकते हैं, तो जोन के अंदर आता हूँ सीधा नदी वदी क्रॉस करता हूँ, और नदी वदी क्रॉस करने के बाद मैं स्पोर्ट करने की ट्राई करता हूँ इस पेड़ के यानी इस पत्थर के पीछे होकर, तो मेरे को कोई स्पोर्ट नहीं होता, मैं सीधा आगे जाता हूँ और देखो उन बंदे को कैसे मारते हैं, एक दो बंदे होते हैं उनको, वहाँ से कोई बंदा स्पोर्ट नहीं होता तो मैं सीधा फैक्ट्री के अंदर आता हूँ, यहाँ फैक्ट्री बनी हुई थी यहाँ पर, तो इसके अंदर आता हूँ तो सामने मेरे को फुस्टे पाते हैं, देखो कैसे मारता हूँ उन दो, ऐसे कैसे भाई नशा वसा करके गेम खेल रहे हो कैसे नहीं गोली चलाए जा रहे हो भाई, इसका कोई मतलब है क्या ये, नहीं आपका नेट चला जाता है यार, क्या है आपका सिस्टम है पता नहीं, बट कोई ना हमारा भी चला जाता है कभी कभी, तो सामने दो बंदे बचते हैं, तो एक का मेरे को फुस्टेप राइट की तरफ से आ जाता है, दूसरे का कोई पता नहीं होता, तो इन बंदों से देखो कैसे मारते हैं इनको, और चिकन हो पाता है नहीं हो पाता गाइस, करो आप बताओ कि चिकन होगा या नहीं होगा, तो कमेंट कर देना पहले, अगर चिकन होता है तो कमेंट कर देना, और नहीं होता तो भी कमेंट कर देना, तो देखते हैं अब चिकन होता है नहीं होता, तो सामने बंदे होते हैं देखो कैसे मारते हैं उनको, मैं जोन का वेट किया, जोन का वेट करने के बाद में जोन लास्ट जोन था, अगर इसके बाद में हिल बैटल ही होगा, तो देखो सामने चलते हैं, इस बंदे को मैंने क्या ही प्रोन शॉट दिया, और एकदम से मैंने क्राउच मार के एकदम से प्रोन शॉट लिया इसको, तो आप को अच्छा लगा तो प्लीज पैकेज को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आपको भी ये स्टार्ट करना सीखना है, अगर ऐसे ड्रॉप शूट मारने सीखना है तो बता देना मेरे को, कमेंट कर देना मैं वीडियो बना दूंगा, सामने बंदा देखो कैसे मारते इसको, तो गाइस पहले मेरे को लगा कि ये मेरे से हिल बटल करेगा, बट ये बंदा आगे आया जा रहा था, तो मैं अपनी हिल कैंसिल करता हूँ और सीधा उस पर मारता हूँ, 1-2 बनाने से नो कर दें, आज के लिए इतना गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।